दोस्तों 2005 में भारत ने स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर JVPC यानी कि जॉइंटली वेंचर प्रोटेक्टिव कार्बाइन के डिजाइन को बनाकर तैयार कर लिया था। जिस समय ये गन बनकर तैयार हो गई थी उस समय इस गन को लेकर काफी ज्यादा हाइप क्रिएट की जा रही थी, लेकिन जब इस कार्बाइन के हमारी सेना में शामिल करने की बारी आई उस समय हमारी सेना ने बिल्कुल साफ साफ बोल दिया था कि ये कार्बाइन हमारी सेना की जरूरत को पूरा नहीं कर पाएगी। JVPC कार्बाइन की बात की जाए तो इस कार्बाइन को DRDO और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड द्वारा बनाकर तैयार किया गया है। जिस समय हमारी सेना ने इस गन को लेने से मना कर दिया था उसके बाद हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से इस गन का इवेल्युएशन किया गया था और हमारी पैरामिलिट्री फोर्स की तरफ से कुछ यूनिट JVPC कार्बाइन का ऑर्डर भी दे दिया गया था। JVPC कार्बाइन की कुछ खासियतों की बात की जाए तो ये कार्बाइन काफी ज्यादा लाइट वेट है। इस कार्बाइन का वजन केवल 2.98 किलोग्राम है। इस गन को स्पेशली क्लोज कॉम्बैट बोर के लिए बनाकर तैयार किया गया था क्योंकि इस गन की जो इफेक्टिव रेंज है वो 200 मीटर से 300 मीटर के बीच है। इस गन के अंदर 5.56 mm के एमिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है। JVPC कार्बाइन के रेट ऑफ फायर यानी कि एक मिनट में ये गन कितने राउंड को फायर कर सकती है, तो ये गन एक मिनट में 800 से 900 राउंड को फायर कर सकती है। इस गन के अंदर 30 राउंड की मैगजीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस गन की मदद से इस समय हम हाई सिक्योरिटी वाले एरिया को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसे एयरपोर्ट, गवर्नमेंट बिल्डिंग। इस गन की इन्हीं खूबियों को देखते हुए हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस में इस गन की डिमांड बढ़ती जा रही थी। साल 2019 में ही हमारी CISF ने भी इस JVPC गन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। इस गन को लेकर जब हमारी CISF की रिव्यू देने की बारी आई उस समय हमारी CISF की तरफ से बताया गया कि इस गन की एक्यूरेसी काफी ज्यादा बेहतर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि CISF की तरफ से इस गन की खूबियां ही बताई गई बल्कि CISF की तरफ से इस गन की सबसे बड़ी कमी भी बताई गई, जहां पर CISF का कहना था कि इस गन का जो चार्जिंग हैंडल है वो स्मूथ नहीं है, इस गन का इस्तेमाल करते हुए हमको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और अगर हमारी गन का चार्जिंग हैंडल ही स्मूथ नहीं होगा तो ये गन रिलोड होने में कभी भी दिक्कत खड़ी कर सकती है और किसी भी मिशन के दौरान ये दिक्कत हमारे जवानों की जान को खतरे में डाल सकती है। और ये चीज दिखाती है कि DRDO की तरफ से जो ये गन बनाकर तैयार की गई थी ये जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ में आई थी, लेकिन अगर इस गन के चार्जिंग हैंडल स्मूथ कर दिया जाता तो इस गन को हमारी सेना भारी संख्या में भी खरीद सकती थी। साथ में एक अपडेट हमारी सेना को लेकर भी आया है, जहां पर इस समय बताया जा रहा है कि इस समय हमारी सेना ये चाहती है कि हमारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी भी 2 अलग अलग तरीके के लाइट वेट को टैंक को बनाकर तैयार करें। हालांकि इस समय भारत पहले से ही जोरावर लाइटवेट टैंक को बनाकर तैयार कर चुका है और शुरू में हम 59 की संख्या में जोरावर लाइटवेट टैंक को खरीदने वाले हैं, जिसके बाद ये ऑर्डर 300 के आसपास तक जाएगा। लेकिन इस समय हमारी सेना की रिक्वायरमेंट को देखा जाए तो हमारी सेना 700 के आसपास लाइटवेट टैंक को लेना चाहती है और इस समय हमारी सेना का ये कहना है कि हमारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को जोरावर लाइटवेट टैंक से भी ज्यादा एडवांस टैंक को बनाकर तैयार करना चाहिए जो जोरावर लाइटवेट टैंक को भी टक्कर दे सके। और इस समय हमारी सेना ये चाहती है कि हमारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी 2 अलग अलग लाइटवेट टैंक को बनाकर तैयार करे क्योंकि आगे चलकर हमारी सेना में इन टैंकों का अच्छा खासा पोटेंशियल मौजूद होगा।